अब देखिए मेरे पास सैमसंग कंपनी वाला 7562 एंड्रॉइड मोबाइल है, इसे सॉफ्टवेयर कल्प्रिट हो गया है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। अब हम इसको फ्लैश कैसा करना है मैं तुम्हारे को अब ये वीडियो में बताने वाला हूँ। भेजिए अब भेजिए, ऐसा आता है, अब भेजिए ऐसा एम्बलम पढ़कर टिक जाता है हमारे को। अब मोबाइल इससे आगे नहीं जा रहा है, अब इसे मैं फ्लैश कर देता है। ये फ्लैश करने के लिए हम क्या करना है, तो पहला हम ओके देखिए गूगल ऑन हो गया है, इसमें सैमसंग 7562 बोलकर टाइप करना है। अब देखिए सैमसंग S7562 फ्लैश फाइल बोलकर टाइप करके एंटर मार दिया है। बाद में फर्स्ट एक ऑप्शन आ गया है सैमसंग 7562 स्टॉक क्रोम बोलकर, इसको सेलेक्ट कर लेना है। बाद में नीचे आकर नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमारे को डाउनलोड ऑप्शन एक दिखा रहा है, देखिए रेड सिंबल में, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर या एक नीचे ऑप्शन आता है डाउनलोड बोल कर मैसेज, इसको सेलेक्ट कर लेना है। वो होने के बाद हमारे को यह मीडिया फाइव लिंक आ गया है, देखिए एक ये 577 MB फ्लैश फाइल है। अब इसको हम डाउनलोड क्लिक करने से हमारे को फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी ये फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर दिया, इसलिए मैं अब प्रेजेंट इसको डाउनलोड नहीं कर देता है। यह मैं डाउनलोड कर दिया है, सो हमारा 7562 का फ्लैश फाइल है। इसे राइट क्लिक देकर एक्सट्रैक्ट हेड करना है, देखिए एक्सट्रैक्ट हेड कर देता है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है हमारा फाइल। ओके देखिए एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे को यह फाइल आ गया है, 934 MB का फाइल आ गया है। अब ये हमारा फ्लैश फाइल है, बिन फाइल है, SMD फाइल बोल MD5 फाइल बोलते हैं इसे। हम इसके बाद हम क्या करना है, तो अब देखिए इसके USB ड्राइवर्स को भी एक्सट्रैक्ट हेड करके बाद में हम इसको इंस्टॉलेशन करना है। ओके ये भी एक्सट्रैक्ट हेड हो गया है। अब बाद में वडोनी 3 फ्लैश फाइल है, फ्लैश टूल है ये, इसको भी एक्सट्रैक्ट हेड करना है, इसको भी एक्सट्रैक्ट हेड कर दिया है। अब इसको प्रेजेंट पहला हम इसको USB ड्राइवर उसको अब देखिए हमारा ये 7562 के USB ड्राइवर से इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, बाद में आसमान से इंस्टॉलेशन हो जाएगा। देखिए हमारा USB ड्राइवर इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है। ओके हो गया है इंस्टॉलेशन पूरा, फिनिश मार देंगे। अब हम इसके बाद ओडोनी फ्लैश टूल को ओपन करना है। ओके हमारा ओडोनी फ्लैश टूल भी ओपन हो गया है। बाद में अब हम क्या करेंगे, तो हमारा मोबाइल को अब इसमें लगाना है, इसका USB केबल से हमारा मोबाइल को अटैचमेंट करना है। अब भेजेंगे, हाँ अब देखिए हम फ्लैश करने का पहला इसमें ये वॉल्यूम, ये पावर बटन हो, ये होम बटन, ये वॉल्यूम डाउन बटन, तीन भी एक बार प्रेस करना है। अब देखिए हम ये मोबाइल हम सिस्टम पर लगाने से पहला हम क्या करना है, तो हमारा पावर स्विच को और हमारा होम बटन एंड हमारा वॉल्यूम डाउन बटन तीन के एक बार प्रेस करने से ऐसा वार्निंग बोलकर एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद ये वॉल्यूम अप बटन प्रेस करने से ऐसा डाउनलोडिंग मोड आ जाएगा। इसके बाद हम इससे हम सिस्टम को कनेक्ट करना है। ओके अब सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, अब देखिए इसके बाद में
हमारा सिस्टम का केबल लगाना है, बाद में इसको यूएसबी में इंसर्ट करना है। ओके ओके, हम यूएसबी केबल से इंसर्ट कर दिया है, बाद में हमारा ओडोनी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। देखिए ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर दिया है, अब देखिए कॉमन थ्री बोल कर हमारा यूएसबी केबल कनेक्टेड भी हो गया है। अब इसमें हम क्या करना है, तो एपी में जाकर हमारा फाइल को सेलेक्ट करना है। हमारा फाइल है MD5 फाइल, इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके ओपन प्रेस करना है। ओके देखिए ऐड हो गया है, ऐड होने के बाद हम क्या करना है, तो हम स्टार्ट बटन प्रेस करना है। ओके स्टार्ट बटन भी प्रेस कर दिया है, बाद में प्रोसेस होना शुरू हो गया है हमारा मोबाइल का। अब देखिए रिकवरी मोड बोल कर ऑप्शन आ गया है, अब देखिए हमारा सिस्टम का बूट होना शुरू हो गया है, फ्लैश स्टार्ट हो गया है। देखिए देखिए हमारा फ्लैश पूरा होने का होने आया है, मैक्सिमम पूरा हो गया है। ओके हो गया, पास बॉल का ऑप्शन मैसेज आ गया हमारे, परफेक्ट से फ्लैश हो गया है। देखा फिर हम मोबाइल ऑन करके देखेंगे, देखिए हमारे को परफेक्ट से मोबाइल भी ऑन हो गया है। माता